हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आंकड़ों को समझना प्रश्नावली 5.8 के सवाल आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है और कौन सी नहीं है। अब हमारी यह आकृति देखो बच्चों, यह आकृति रेखाखंड से तो निर्मित है परंतु बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। क्योंकि बहुभुज कौन सी आकृति है? रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। मतलब रेखाखंड भी होने चाहिए और आकृति बंद भी होनी चाहिए। अब देखो यह आकृति, देखो यहां से देखो खुली है, ये खुली है ना, तो ये आकृति रेखाखंडों से तो बननी है, ये रेखाखंडों से, लेकिन ये बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। अब देखो बच्चों, दूसरी आकृति है रेखाखंडों से बनी है, ठीक है, और बंद भी है, तो ये आकृति रेखाखंड से निर्मित बंद आकृति है, इसलिए ये बहुभुज है, ठीक है। देखो बच्चों, थर्ड नंबर आकृति, ये हमारा एक सर्किल है वृत्त, और सर्किल में तो रेखाएं होती नहीं है क्योंकि बिल्कुल गोल आकृति होती है। रेखाखंड किसमें होती है? बहुभुज में, जो हमारे समतल होती है। तो ये हमारा एक सर्किल है, इसमें रेखाएं नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यह आकृति रेखाखंड से निर्मित आकृति नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है, ठीक है। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि रेखाखंडों से निर्मित तो है लेकिन यह आकृति बंद नहीं है। यह आकृति बहुभुज है क्योंकि रेखाखंडों से निर्मित भी है और यह बंद भी है। और यह आकृति हमारी बहुभुज नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रेखाखंड से निर्मित आकृति नहीं है। अब देखो यहां पे ये दो तो रेखाखंड है, बाकी ये गोल आकृति, अभी गोल आ गया सिरा, तो यह आकृति भी रेखाखंड से निर्मित नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने बता दिया कि निम्न आकृतियों में से बहुभुज कौन कौन सी आकृति है और कौन कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है। तो क्या हुआ, हमारे 1 नंबर की आकृति बहुभुज नहीं है, 2 नंबर की आकृति बहुभुज है और 3 नंबर की आकृति बहुभुज नहीं है और 4 नंबर की आकृति बहुभुज है। किसे कहते हैं बहुभुज? 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंड भी होने चाहिए और आकृति बंद भी होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे, राइट। बच्चों देखो, आपको पहला सवाल समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए व 2 उदाहरण बनाइए, यानी 2 चित्र अपन को और बनाने। अब बहुभुज का नाम कैसे होता है बच्चों? भुजाओं के आधार पर होता है। 3 भुजा का बहुभुज त्रिभुज कहलाता है, 4 भुजा का बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है, 5 भुजा का बहुभुज पंचभुज कहलाता है और 6 भुजा का बहुभुज षटभुज कहलाता है, 7 भुजा का बहुभुज सप्तभुज कहलाता है, सप्तमी 7, 8 भुजा का बहुभुज अष्टभुज कहलाता है, 9 भुजा का बहुभुज नवभुज कहलाता है, 10 भुजा का बहुभुज 10भुज कहलाता है। भुज यानी भुजा, राइट। अब देखो यहां पे हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 आकृति दी गई है बच्चों। इन आकृतियों से प्रत्येक बहुभुज, ये बहुभुज की आकृति है क्योंकि इसमें देखो मैंने क्या कहा कि 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो यह देखो प्रत्येक बहुभुज का नाम भी लिखिए और प्रत्येक बहुभुज के 2 उदाहरण बनाइए, यानी 2 चित्र हमको आगे
बनाना भी है। तो देखो बच्चों, नंबर एक ये आकृति है, इसमें आप ध्यान दीजिए, यहां से लेके एक रेखाखंड, फिर यहां से लेके देखो दो रेखाखंड, फिर यहां से लेके तीन रेखाखंड और यहां से लेके चार। तो एक दो तीन चार, ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। तो चार भुजाओं से या चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चार भुजा से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो बच्चों इस बहुभुज का नाम क्या होगा? चतुर्भुज होगा। चतुर संस्कृत में चतुर को बोलते चार, भुज यानी भुजा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। इस बहुभुज का नाम चतुर्भुज है। अब क्या लिखा है? इसके दो उदाहरण बनाइए। तो आप अपने मन से कोई भी दो चित्र बना सकते हैं, चार भुजाओं से बंद आकृति आप कोई भी बना सकते हो। आप कैसी भी चार भुजा से आकृति बना सकते हो, ऐसे 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 कैसे बना सकते हो, राइट? ये ध्यान देना। तो पहला आपके समझ में आ गया, ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसलिए हम इसको नाम क्या बनाएंगे? चतुर्भुज नाम देंगे। और इसके अंदर को दो उदाहरण बना के बता दिया आपको, ऐसे आपको बनाना है। अब देखिए नंबर दो, यहां से एक दो और तीन, तो एक दो तीन, बच्चों इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन, यानी कितने रेखाखंड है? तीन रेखाखंड है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो इसका नाम क्या होगा? त्रिभुज। त्रि, ये संस्कृत में त्रि, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, भुज यानी भुजाएं। तो ये त्रिभुज है हमारा, और इस आकृति को हमने तीन भुजा से घिरी बंद आकृति है ना ये, इसलिए त्रिभुज नाम दे दिया। और अन्य दो उदाहरण देखो, ये मैंने बना के आपको बता दिए, राइट? अब देखो बच्चों, ये दो सवाल दूसरे के हो गए। आगे देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां पे देखो ये एक रेखाखंड, दो तीन चार पांच, इसमें पांच रेखाखंड है, और पांच रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों? पंचभुज कहते हैं। तो ये पंचभुज है, इसके देखो मैंने दो उदाहरण बना के बता दिए, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। अब देखो बच्चे, तीसरा आ गया आपके समझ में, चौथा देखिए, यहां पे देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ रेखाखंड है, तो आठ रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? अष्टभुज। ये देखो मैंने दो उदाहरण बना के बता दिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, याद हो जाओ, ठीक है? नंबर तीन, एक समषड्भुज का एक घन चित्र बनाइए, उसके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए और पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया। तो देखो समषड्भुज, एक भुजा दो भुजा तीन चार पांच छह भुजा, ये छह भुजा का मैंने समषड्भुज बना लिया। समषड् यानी सभी छह भुजा समान। आप क्या करना, किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। तो एक दो तीन, इन तीन शीर्षों को हमने जोड़ दिया तो ये त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया? ये तीनों भुजा बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया हमारे पास में? ये समबाहु त्रिभुज हमारे पास में बन गया। देखो चौथा, सम अष्टभुज का एक रूप चित्र खींचिए, इस अष्टभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़कर एक आयत चित्र खींचिए। तो सम अष्टभुज बनाएंगे, देखो हम ध्यान देना, ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये हमने आठ भुजा की आकृति हमें खींची है, अष्टभुज खींची हमने। तो देखो ये अष्टभुज बना दिया अपन ने, सम अष्टभुज, सभी आठ भुजा बराबर है। अब क्या लिखा है? इस अष्टभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। तो हमने देखो एक दो तीन चार, इन चारों शीर्षों को जोड़कर, इनको जोड़कर हमने क्या बना लिया? एक आयत बना लिया। तो इस अष्टभुज का नाम क्या है? ए बी सी डी ई ए जी एच। सम अष्टभुज का नाम क्या है? ए बी सी डी ई ए जी एच। और ये हमारा बन गया आयत। आयत का नाम क्या हो गया? ए एच ई डी, राइट? देखो पांचवा सवाल,
बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो बहुभुज का विकर्ण कैसे प्राप्त होता है? दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त होता है, लेकिन शीर्ष क्या होना चाहिए? आसन शीर्षों को छोड़कर। एक पंचभुज का हम चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। देखो बच्चों, ए ई बी सी या ए बी सी डी, ये हमने क्या बनाया? एक पंचभुज, एक दो तीन चार पांच तक खींच दी। अब हम इसके विकर्ण खींचेंगे। देखो यहां से लेके एक विकर्ण, ठीक है, फिर ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। पुनः देखिए, एक दो तीन चार पांच, तो पांच विकर्ण हो गए। पहला हो गया एडी, ये रहा, एक एसी, ये रहा, एक बीई, ये रहा, एक बीडी, ये रहा, एक सीई, ये पांच विकर्ण हो गए। इस प्रकार आप पंचभुज बनाना और ये पांच विकर्ण अपनी नोटबुक पे खींचना। मैं आपसे कर सकता हूँ, आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आई होगी। बच्चों आगे के प्रश्न ही मैं आपको कल हल कराऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।